युद्ध नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनाने को लेकर भले ही शिवसेना बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक चल रही हो, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना का बयान संजय राउत का आया है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और वो भी दादर में, जहां से हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वहीं से शपथ समारोह संपन्न होगा। हमारे साथ अरुण पाठक जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर कहे जाते हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से संजय राउत जी का बयान था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, वो भी हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जहां समाधि है वहां से जो है कि शपथ समारोह संपन्न होगा। जी, हमारे पक्ष प्रमुख ने कहा कि ये अब हमारी जिद भी है, तो हमारे पक्ष प्रमुख के जिद को पूरा करना हिंदुस्तान के हर शिवसैनिक का कर्तव्य है, और हम शिवसैनिक अपना बलिदान देके भी उनके हर जिद को पूरा करने पे लगे रहते हैं। तो अगर साहब ने कहा है तो ऐसा ही होगा। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कामना, क्योंकि आप भी एक कट्टरवादी शिवसैनिक कहे जाते हैं और जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है, और क्या आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि मायावती जी के साथ जब उनका सरकार बना तो उस समय 69 मायावती जी थी और 170 हो रही थे, और उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री मायावती जी को बना दिया। जिस नीतीश कुमार ने कहा था कि मोदी दंगाई है और इस वजह से मैं NDA छोड़ रहा हूँ, और मोदी जी को दंगाई बता के नीतीश कुमार NDA छोड़े थे, आज उनके साथ भी सरकार बनाए, उनको मुख्यमंत्री बना दिए, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों के साथ भी सरकार बना और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, इनके लिए तो गर्व की बात थी कि प्रथम बार ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा है। ये उन्हीं के लिए नहीं, पूरे हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, और इनको सहर्ष बिना किसी शर्त के जो है उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बिगुल बजने के बाद सिर्फ बंटवारे से लेकर अब तक शिवसेना बीजेपी भले ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हो, लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास में 25 सालों में जो काम किए हैं जनता आज भी उन्हें चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ मुरारी सिंह, एनएम न्यूज, मुंबई। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।